हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इब्राहिम है, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है वैल्यू ऑफ हिंदुइज्म मोस्ट एंशिएंट रिलीजन। मतलब आज बहुआ भाई ने स्पेशल हिंदुइज्म पर वीडियो बनाई है। देखते हैं बिना किसी देरी के आपके साथ, बाकी बातें करेंगे बाद में, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को आखिरकार 16 दिनों बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इसे दुनिया के इतिहास के सबसे शानदार रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अलग अलग एजेंसियों का तो रोल है ही, मगर इसका सबसे ज्यादा श्रेय बाबा बोकनाथ जी को दिया जा रहा है। लोकल लोग बताते हैं कि जब टनल को बनाने का काम शुरू हुआ तो यहाँ बाबा बोकनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था, जिससे बाबा नाराज हो गए। लोग कहते हैं कि यही वजह रही है कि पहले टनल का एक हिस्सा गिरा, मजदूर अंदर फंस गए, और जब रेस्क्यू शुरू किया गया तो कभी लैंडस्लाइड हुई, कभी मशीन टूट गई, तो कभी सामने बड़े पत्थर आ गए। जब किसी तरह से बात बनती नहीं दिख रही थी तो रेस्क्यू टीमों को बाबा बोकनाथ के गुस्से की बात बताई गई और वहीं सुरंग के बाहर उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई। लोगों ने उनसे माफी मांगकर काम फिर से शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट एरोनॉटिक्स भी हर रोज काम शुरू होने से पहले बाबा से आशीर्वाद लेते थे और शाम को फिर से उनकी मूर्ति को नमन करते थे। आज जब 16-17 दिनों बाद मौत को मात देकर ये मजदूर बाहर लाए गए हैं तो इसके पीछे बाबा की कृपा मानी जा रही है। एरोनॉटिक्स ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर पहाड़ ने कुछ लोगों को अपने अंदर ले लिया है तो हम उनसे इस बात की इजाजत मांग रहे हैं कि क्या हम इन लोगों को वापस बाहर निकाल सकते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी ये अहंकार नहीं दिखाया कि हम पहाड़ को जीत सकते हैं, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ हमेशा पहाड़ को ईश्वर का दर्जा दिया कि हम उससे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को वापस लेने की परमिशन मांग रहे हैं। दोस्तों, उत्तरकाशी का रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर भारत के उस चरित्र को, उस कैरेक्टर को बताता है जिसकी आज पूरी दुनिया कायल हो रही है। एक ऐसा चरित्र जिसमें हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे, लेकिन ये भी स्वीकार करेंगे कि होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। और उत्तरकाशी की घटना ने एक बार फिर उसे सही साबित कर दिया। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि भारत और हिंदुत्व के इसी चरित्र ने आज पूरी दुनिया को इसकी ओर आकर्षित किया है। कैसे आकर्षित किया है और लगातार कर रहा है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन हुआ। इस इवेंट में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में जैसे हालात हैं उसमें हिंदू धर्म के संस्कार ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी से जब ये पूछा गया कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो रामास्वामी ने बेहिचक कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं अपनी उन हिंदू वैल्यूज को बेस बनाकर ही राजनीति करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज अमेरिका को उन वैल्यूज की सख्त जरूरत है। For a purpose. My faith teaches me that we have a duty, a moral duty, to realize that purpose. That we're God's instruments. He works through us in different ways, but we are still equal because God resides in each of us. That's the core of my faith. इससे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 के लिए भारत आए थे, तब भी उन्होंने खुद को एक प्राउड हिंदू कहा था। वो दर्शन करने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया। आज उसी इंग्लैंड के पीएम हाउस में एक भारतीय मूल का शख्स राज कर रहा है। वो वहां हिंदू रीति रिवाज से सारे वार त्योहार मना रहा है। अमेरिका के शहरों में कई सालों से दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। यूएई जैसे मुस्लिम देश में दिवाली पर स्कूलों में 4 दिन की छुट्टियां की गई। ये सब बातें साफ बता रही हैं कि अपनी सनातन परंपरा और वैल्यूज पर चलते हुए हिंदू कम्युनिटी बिजनेस से लेकर राजनीति तक हर एक जगह दुनिया में चला रहा है। एक ऐसा धर्म जिसने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया, जिसने कभी जबरन दूसरों का धर्म नहीं बदला, मगर आज सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से हिंदू धर्म पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। तो किस तरह हिंदू धर्म दुनिया को राह दिखा रहा है? इसराइल हमास युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन वॉर तक और वेस्टर्न कंट्रीज में टूटते परिवारों और बढ़ते डिप्रेशन के बीच क्यों हर किसी को हिंदू धर्म में ही सुकून दिखाई दे रहा है? आइए इस वीडियो में इसी पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रौनक। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा इनोवेटर माना जाता है। अपने करियर के शुरुआती दौर में जब वो जिंदगी के मायने समझने की कोशिश कर रहे थे तो वो भारत आए। इसी दौरान वो नीम करोली बाबा के आश्रम में। स्टीव जॉब्स का कहना था कि महाराज जी की एक झलक ने उनके दिमाग पर जुकरबर्ग भी गया था। उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद साफ समझ में आ गया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक बार जब स्टीव अपने काम में लगे
तो उन्होंने दुनिया की टेक्नोलॉजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एप्पल कंप्यूटर से लेकर मैकबुक, आईपैड से लेकर आईफोन तक उन्होंने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए, एक ऐसा ब्रांड दिया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। और इन सारे महान कामों की जड़ में अगर कुछ था तो वो था सनातन का प्रभाव। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भी कुछ साल पहले इस बात का खुलासा किया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में जब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि फेसबुक का क्या करना है, वो इसे खुद चलाएं या बेच दें, एक दिन उन्होंने अपनी ये कन्फ्यूजन स्टीव जॉब्स से डिस्कस की तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। यहां भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि मार्क जुकरबर्ग ने आगे चलकर फेसबुक और मेटा को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक बना दिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि स्टीव जॉब्स की इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में इस किताब की डिमांड कई गुना बढ़ गई। तब से अब तक इस किताब की लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। इसी किताब के बाद योग और हिंदू धर्म में भी लोगों का रुझान और ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं, संपर्क में आना, विल स्मिथ का भारत आकर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना करना हो, या जूलिया रॉबर्ट्स का खुलकर हिंदू धर्म की तारीफ करना, ये सब बता रहे हैं कि कैसे हिंदू धर्म सालों से अमेरिकन सोसाइटी की बड़ी से बड़ी हस्तियों को प्रभावित कर रहा है। हिंदुइज्म इज समथिंग दैट आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय एंड वेरी इंटरेस्टेड इन। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में शामिल विवेक रामास्वामी का नाम सामने आया तो उनके भारतीय कनेक्शन की वजह से भारतीयों की उनमें काफी दिलचस्पी बढ़ी। जब लोगों ने उनको दो चार मौकों पर अपनी बात रखते सुना तो हर कोई उनकी हाजिर जवाबी, उनकी नॉलेज, उनकी साफ गोई से हैरान रह गया। अपने पहले ही चुनाव में भारतीय मूल के इस युवा ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी। पिछले दिनों एक प्रोग्राम के दौरान जब उनसे उनकी राजनीति का मोटिव पूछा गया और उनके धर्म की बात हुई तो विवेक ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। Yes. Tell my faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. I believe God put each of us here for a purpose. My faith teaches me that we have a duty, a moral duty, to realize that purpose, that we're God's instruments. He works through us in different ways, but we are still equal because God resides in each of us. That's the core of my faith. एक ऐसे अमेरिकी समाज में जहां आज भी ज्यादातर पॉपुलेशन व्हाइट क्रिश्चियंस की है, उस सोसाइटी में विवेक का इस तरह खुलकर अपने धर्म के बारे में बोलना यह बताता है कि कैसे उन्होंने उन्हें राजनीति की राह दिखाई और कैसे उस राह पर चलकर वो आज अमेरिकी समाज में मौजूद खामियों को सुधारने की बात कर रहे हैं। ये सब बोलने के लिए सच में बोलना चाहिए। इसी तरह ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी कभी भी अपनी हिंदू पहचान को छिपाने या दबाने की कोशिश नहीं करते। वो इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं करते कि जिस ब्रिटेन के वो पीएम हैं वहां लोग उनकी इस रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे देखेंगे। ये सब सुनकर और देखकर गर्व होता है कि भारतीय हिंदू कम्युनिटी अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. जो पहचान कल तक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जैसे पदों पर थी, वही पहचान अब अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति में बड़े बड़े पदों पर दिखने लगी। विवेक रामास्वामी अभी सिर्फ 38 साल के, वो अगर इसी तरह अपनी सियासत जारी रखते हैं तो वो एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले पहले गैर क्रिश्चियन हो सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सब चमत्कार है, और अगर है तो ये सब कैसे हो रहा है? बाकी कुछ धर्मों की तरह हिंदू धर्म न किसी दूसरों को जबरन कन्वर्ट करता है, न हमने आबादी का फायदा उठाकर कभी अपने देश में माइनॉरिटीज का धर्म बदला, न हम धर्म के नाम पर विदेशों में कोई लॉबिंग करते हैं। फिर आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है कि हर जगह हिंदू धर्म का, इसके संस्कारों का, हमारे योग का इतना डंका बज रहा है? आखिर क्या रीजन है कि एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाले देश का पीएम होने के बावजूद थाईलैंड के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि आज दुनिया में जैसे हालात हैं उसमें हिंदू धर्म के संस्कार ही शांति ला सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचें कि थाईलैंड के पीएम को हिंदू धर्म के बारे में क्या पता, क्या वो सिर्फ हिंदुओं की तारीफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि थाईलैंड में हिंदू महासभा का आयोजन हो रहा था? अगर कुछ लोग सच में ऐसा सोचते हैं तो शायद आप हिंदू धर्म और थाईलैंड के जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि थाईलैंड आज भले ही बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है लेकिन एक वक्त वहां भी बड़े पैमाने पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। आज भी आपको थाईलैंड में हिंदू मंदिर आम मिल जाएंगे। इन मंदिरों में ब्रह्मा जी की उनके नोट पे भी पिक्चर। अच्छी बात यह है कि बौद्ध होने के बावजूद थाई लोग हिंदू देवी देवताओं को अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं, वो उनका वैसा ही सम्मान करते हैं जैसा हिंदू करते हैं। और तो और, पवित्र ग्रंथ रामायण का तो थाईलैंड पर बड़ा असर है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण थाईलैंड में रामाकेण के नाम से जाना जाता है, जिसे थाईलैंड में राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है। थाईलैंड के लोग आज भी अपने राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं। यहाँ तक कि थाईलैंड में जब भी राजा का राजतिलक होता है तो उस राजतिलक में पूजा अर्चना करने गोरखपुर से पुजारी जाते हैं।
वो सारा कार्यक्रम हिंदू परंपरा के मुताबिक होता है ना, कितनी सुंदर बात। भले ही थाई लोग आज बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं में ज्यादा फर्क नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म निकला भी भारत से ही। उन्हें इस बात का भी पता है कि सैकड़ों साल पहले दक्षिण भारत से थाईलैंड में हिंदू धर्म आया था, जब भारत के तमिलनाडु से भारतीय व्यापारी समुद्र मार्ग से थाईलैंड गए थे। यहाँ तक कि थाई भाषा भी दक्षिण की पल्लव लिपि से निकली। यही सब कारण है कि थाईलैंड के पीएम ये कह रहे हैं कि आज दुनिया में शांति चलकर ही आ सकती है। ये सब देखकर खुशी भी होती है कि थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और श्रीलंका जैसे देश जहाँ बौद्ध धर्म आज मेन रिलीजन है, लेकिन इसके बावजूद इन देशों ने अपनी हिंदू पहचान को नहीं मिटाया, क्योंकि ये सब इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। मगर वहीं अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और मालदीव तक बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने उन देशों में मौजूद बौद्ध और हिंदू पहचानों को चुन चुन कर खत्म किया। साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने डायनामाइट लगाकर भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी। ये बात तो हम सबको पता है, मगर शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि मालदीव में सालों पहले मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ने वहां के म्यूजियम तक में रखी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो मूर्तियां थी उन्हें तोड़ दिया था। मतलब म्यूजियम में रखी मूर्तियों से भी धर्म पर खतरा नजर आने लगा। वाह क्या बात। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से दोहरा रहा हूं कि दुनिया में उससे ज्यादा बदनसीब कौम कोई नहीं हो सकती जो ये नहीं जानती कि उसका इतिहास क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो लोग कहां से आए थे। आप अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़कर इस बात को झुठला नहीं सकते कि एक वक्त बौद्ध धर्म अफगानिस्तान तक फैला था। इसी तरह आजादी के बाद से आज तक पाकिस्तान में हजारों हिंदू मंदिर गिराए गए। ताजा मामला भी कुछ वक्त पहले कराची का, जहां लोकल पुलिस की निगरानी में एक हिंदू मंदिर गिराया गया। वो कराची जो सिंध स्टेट की राजधानी है, वो सिंध जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, वो सिंधु नदी जिससे हिंद शब्द निकला और वो हिंद जिसके चलते सिंधु सभ्यता के लोगों को हिंदू कहा गया। अगर कराची में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि दो पीढ़ी पहले तक उनकी पहचान क्या थी, उन्हें अगर ये लगता है कि वो कुछ मंदिर तोड़वा कर अपनी पहचान मिटा लेंगे, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। बजाय ये मानने की कि जिन मंदिरों को वो तोड़वा रहे हैं वो खुद उनके पुरखों ने बनवाए थे, बजाय ये समझने की वो मंदिर उस इलाके की सांस्कृतिक विरासत है, ये ऐसे जाहिल हैं जो खुद को जबरन अरब मानते हैं और उन्हें लगता है कि मंदिर तोड़कर वो अपना मजहब अरब जो मानते हैं खुद। हमें ये भूलना चाहिए सोमनाथ के मंदिर को हजारों बार लूटा गया, अरब नहीं है, अरब नहीं है। वो आज भी अपनी पूरी शान शौकत और वैभव के साथ खड़ा है, और जिस मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 हमले किए, आज जावेद अख्तर साहब ने भी पिछले दिनों कहा कि अगर भारत में इतने वक्त से डेमोक्रेसी है तो हिंदुओं की वजह से, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी बहुत टॉलरेंट है, वो खुद को दूसरों पर थोपती नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो राम और सीता की भूमि पर पैदा हुए। तो आखिर वो कौन सी हिंदू वैल्यूज है जिसके चलते बाहर से आने वाले दुनिया के हर शख्स को इस देश में जगह मिली और हर शख्स इसे अपना घर बना पाया। एक वक्त अलगाववादियों के भड़काने पर कश्मीर में हर रोज सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी, और उस पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई में जब कुछ लोग घायल हो जाते थे तो इसी देश में बहुत सारे लोग भारत सरकार पर इल्जाम लगाते थे कि वो मुसलमानों पर जुल्मधारी है। मगर 370 हटने के बाद और एक के बाद एक अलगाववादियों की पोल खुलने के बाद आज कश्मीर में जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो लोग चुप हो गए। इसराइल ने जब गाजा पट्टी में हजारों फिलिस्तीनियों को मारा तो इन लोगों को समझ में आ गया कि अगर भारत सरकार भी कश्मीरियों की दुश्मन होती तो वो भी कश्मीर को गाजा बना सकती थी, मगर उसने ऐसा कभी नहीं किया, इनफैक्ट करने का सोचा भी नहीं। यही वजह है कि आज शैला रशीद जैसे लीडर भी मोदी और अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि भारत एक ऐसा अकेला देश है जहाँ इतने अलग अलग फेथ को मानने वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं। यहाँ कुछ हजार की आबादी वाले जूस और पारसी भी रह सकते हैं। आबादी में 1% से भी कम जैन कम्युनिटी भी अपने काम धंधे को बढ़िया तरीके से कर सकती है, अपने धर्म का पालन कर सकती है। यहाँ एक गरीब मुसलमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर मोहम्मद शमी तक भी अपने टैलेंट के दम पर सुपरस्टार बन जाता है। यहाँ द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला भी देश की राष्ट्रपति हो सकती है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के तौर पर एक सिख भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री बना रह सकता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के पद के बाद उसकी धर्म या जाति बताना छोटी बात लगती है, मगर यहाँ ये बातें सिर्फ इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो चार घटनाओं को आगे रखकर पूरी हिंदू कम्युनिटी बातें करते हैं। अगर इस देश में आज भी 80% 80% आबादी हिंदुओं की है और ये देश आज भी सेक्युलर और अगर लोकतांत्रिक बना हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आपका है। इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये क्रेडिट जाता है, उनके संस्कारों को जाता है, जो अपने धार्मिक विश्वास किसी तरीके से रह रहे हैं, वो किसी भी धर्म को खुद से कम नहीं मानती, जो ये नहीं चाहती कि दुनिया के सारे धर्म खत्म हो जाएं और बस हमारा राज हो। वो हिंदू कम्युनिटी ऐसा नहीं सोचती, तभी तो दुनिया भर के लोग इस देश में आकर अपनी जगह बनाते हैं, और भारत से जाने वाले लाखों लोग भी पूरी दुनिया में खुली बाहों से स्वीकारे जाते हैं, वो भी इस हद तक कि लोग उन्हें अपनी कंपनियों की अपने देश तक की बागडोर सौंपने को तैयार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार बहुत इन्होंने डीप बातें की हैं भाई, बहुत कमाल की बातें। बाकी इंडिया अपनी माइनॉरिटीज का रहता है
कोई देश नहीं रह सकता। अफ्रीका देख लो और पाकिस्तान में, और ये जो जो खुद को अपने आप को अरब या तुर्क बोलते हैं ना भाई यार, हम लोग ये काम छोड़ दो इसको। हाँ। देखो हम झुटला नहीं सकते, हम एक टाइम पे इंडिया का हिस्सा थे, सही बात है, इंडिया का हिस्सा थे, इंडिया के हम इसको कभी भी नहीं झुटला सकते कि भाई हम इकट्ठे धर्म शर्म आया हमारे पूर्वज से जहाँ से भी आया, देखो वो बाद में आया, लेकिन हम हजारों सालों से पैदा तो इसी जमीन में हम, मतलब जैसे अभी रंग जो अरबी है, जबान काफी सारी। एक मैं आपको बात पक्की बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी है बांग्लादेशी जो भी है, आपको अरबी कभी भी नहीं स्वीकारेंगे अपनी तरह। वो अरब में अक्सर जाओ ना, हाँ। वो छोटी नजर से देखते हैं पाकिस्तानियों को कि ये मतलब क्या है, हम सुपीरियर है, ये भाई कितनी जगह पे हमने ये चीज देखी देखा जाता है। तो ये चीज है अपनी जो खुद की पहचान है ना, उस पर हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए देखो, और बोलना चाहिए देखो, हाँ भाई कंट्रीज थे अलग हो गए, इंडिया भी मुस्लिम रह रहे, श्रीलंका में भी रह रहे, बांग्लादेश में भी रह रहे, पाकिस्तान में भी रह रहे, लेकिन थे इकट्ठे थे पहले, ये अखंड भारत था फिर अलग हुआ, ये तो कोई भी नहीं झुठला सकता इस चीज को यार। सही बात है। और दूसरी बात, आज इंडियन जिस लेवल पे चले गए वो खुद पूरी दुनिया आज जिस तरीके से हिंदुइज्म की और भारत की तारीफ करती है वो भी भाई काबिले तारीफ। सबसे बड़ी बात पता है क्यों इंडियंस हर जगह पे कामयाब है, एक मेहनत, दूसरा अपने काम से काम रखना, और भाई और तीसरा ये कि सरकार वगैरह भी इनके बड़े अच्छे होते हैं, तो उसकी वजह से। आपका क्या कहना है सारे मामले पर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तैयार है।